हेलो स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट। आज का हमारा जो टॉपिक है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स स्टैंडर्ड 12th के बारे में, दैट इज फ्रॉम चैप्टर 1 नेचर ऑफ मैनेजमेंट। और अब हम आज कंटिन्यू कर रहे हैं पेज नंबर 8 से। टॉपिक का नाम है फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है, इसके बारे में हम बात कर रहे हैं। अब यहाँ पे इन्होंने मैनेजमेंट के कुछ फंक्शंस का क्लासिफिकेशन दिया हुआ है और किन किन लोगों ने किस तरीके से उसको क्लासिफाई किया हुआ है उनके नाम भी लिखे हैं, ठीक है। कुंस एंड ओडोनेल, हेनरी फेयोन, पीटर ड्रकर, लूथर ग्लुइक एंड जॉर्ज टेरी, ठीक है, ये सारे लोग हैं जिनके बारे में आपको इस चार्ट के अंदर उन्होंने बोला है। तो हम उनके बारे में भी बात करेंगे कि उन्होंने किस तरीके से मैनेजमेंट के फंक्शंस को क्लासिफाई किया। बट जो पहले एक्सप्लेनेशन है उन टर्म्स का जो उन्होंने यूज किए, पहले वो समझ लेते हैं तो बेटर रहेगा। थोड़ा लैंग्वेज के साथ जाऊंगा ताकि आपको चीजें अच्छे से क्लियर हो सके। इंट्रोडक्शन में बोल रहे हैं द मैनेजमेंट शुड बी डन एफिशिएंटली फॉर द अकम्पलिशमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। ऑब्वियसली हम बात कर चुके हैं, मैनेजमेंट प्रोसेस इज टू बी फॉलोड अ सीरीज ऑफ फंक्शंस व्हिच आर कंटीन्यूअसली परफॉर्म फॉर अकम्पलिशमेंट ऑफ प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस इज नोन एज अ प्रोसेस। तो ये प्रोसेस जो वर्ड है उसकी डेफिनेशन हो गई, आप ऐसे समझ सकते हो, सीरीज ऑफ फंक्शंस, ठीक है, ये बोल रहे हैं। कंटिन्यूअसली परफॉर्म, थोड़ा ब्रेक करोगे डेफिनेशन को तो याद हो जाएगी। फॉर अकम्प्लिशिंग प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव्स। देखो, एक प्रोसेस, किसी भी चीज को कंप्लीट करने का, कोई टास्क को परफॉर्म करने का प्रोसेस, बहुत सारे फंक्शंस होंगे प्रोसेस। जैसे आप प्रोडक्शन कर रहे हो, सपोज एक मोबाइल फोन बनाना है, तो मोबाइल फोन बनाने के लिए एक प्रोसेस होगा, उस प्रोसेस में कितनी सारी चीजें करनी पड़ती होंगी, तो वो सारी हैं सीरीज ऑफ फंक्शंस। कंटिन्यूस परफॉर्मेंस, कंटिन्यूसली, क्योंकि ये मैनेजमेंट है या प्रोडक्शन भी होता है तो भी मोबाइल फोन तो बनते रहते हैं ना, तो कंटिन्यूस प्रोसेस का साइकिल चलता है। अकम्प्लिशमेंट किस चीज का, प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव्स का, जो सोचा हुआ है वो करने के लिए कुछ चीजें करनी पड़ेगी कंटिन्यूसली, तभी वो एक प्रोसेस बोला जाएगा। तो ये हो गई आपकी प्रोसेस की डेफिनेशन, इसको अंडरलाइन कर लेना। वेरियस बिजनेस एक्टिविटीज आर अरेंज्ड इन क्रोनोलॉजिकल एंड ऑर्डरली मैनर। क्रोनोलॉजी का मतलब क्या है, ऑर्डर, किस ऑर्डर में आपको काम करना है। जैसे एक कार मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, तो कार मैन्युफैक्चर करने के लिए पहले उसका बॉडी बनाना पड़ेगा, चेसिस जिसको हम बोलते हैं, एक बॉडी बनाना पड़ेगा, इंजन बनाना पड़ेगा, ठीक है, बॉडी के पार्ट्स जो हैं उसको फिर बाद में असेंबल करना पड़ेगा। जब बॉडी का फ्रेम रेडी हो जाएगा तब उसके अंदर सीट्स, स्टेयरिंग, इंटीरियर फिट होगा, उसके बाद टायर फिटिंग होंगे, लास्ट में ग्लास फिटिंग होगा, बॉडी को कलर किया जाएगा। तो एक ऑर्डर होता है, आप ऐसा नहीं कर सकते पहले टायर फिट कर दी, भाई जो चीज आखिर में लगती है वो पहले कैसे लगा सकते हैं। तो क्रोनोलॉजी का मतलब एक प्रॉपर ऑर्डर, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, ऐसे करके, ठीक है। इसके बाद बोला है देयर इज अ कंट्रोवर्सी अमंग डिफरेंट अथॉरिटीज रिगार्डिंग वेरियस एक्टिविटीज ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट इज कंसिडर्ड एज अ सब्जेक्ट ऑफ स्टडी और अ फील्ड ऑफ नॉलेज, देयरफॉर इट इज नेचुरल दैट वेरियस थिंकर्स एंड स्कॉलर्स होल्ड डिफरेंट ओपिनियंस रिगार्डिंग इट। हाँ, तो ये ऑब्वियस है, ये हो सकता है कि भाई जितने भी लोग हैं, अलग अलग थिंकर्स हैं, स्कॉलर्स हैं, जो इसके बारे में मैनेजमेंट की सब्जेक्ट को स्टडी करते हैं, तो उनकी अपनी अलग अलग सोच हो सकती है, वही यहाँ नीचे नाम दे रखे हैं। अब इनके जो टर्म्स हैं, जैसे प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग एंड ऑल, तो ये सब में क्या होता है पहले ये समझ लेते हैं, फिर इस टेबल पे वापस आ जाएंगे। सबसे पहला जो वर्ड यूज कर रहे हैं उसको हम बोल रहे हैं प्लानिंग। इवन गॉड कैन नॉट चेंज द पास्ट, ये तो हमें पता है, बट मैन कैन चेंज द फ्यूचर। ऐसा बोलते हैं फ्यूचर आपके हाथ में है, क्योंकि वो अभी तक गया नहीं, आप उसको चाहो तो अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो। प्लानिंग मीन्स सिलेक्शन ऑफ फैक्ट्स फॉर द एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स एंड टू एस्टैब्लिश इंटर रिलेशन बिटवीन देम एज वेल एज द ऑब्जर्वेशन ऑफ नेसेसरी एक्टिविटीज एंड फोरकास्टिंग फॉर द सेम एंटिसिपेशन। देखो, बहुत भारी भारी लैंग्वेज लिखते हैं, पढ़ के लगता है पता नहीं कहाँ जा रहे हैं, पर अब थोड़ा सा उसको सिंप्लीफाई करते हैं। सिलेक्शन ऑफ फैक्ट्स फॉर द एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स, मतलब आपको जो भी रिजल्ट चाहिए उसके लिए क्या क्या चीज़ों की जरूरत पड़ेगी, कौन से लोगों की जरूरत पड़ेगी, कौन से रॉ मटेरियल की जरूरत पड़ेगी, कौन सी मशीन्स की जरूरत पड़ेगी, उन सब के बारे में सोच लो, उनको कैसे इकट्ठा करना है, उसका रास्ता तैयार कर लो, ठीक है, ये बोला है, और उनके बीच में उनको कैसे इंटरलिंक करना है, इंटर रिलेट करना है, वो प्लान कर लो।
एज वेल एज द ऑब्जर्वेशन ऑफ नेसेसरी एक्टिविटीज एंड फोरकास्टिंग फॉर द सेम एंटिसिपेशन। तो क्या क्या एक्टिविटीज जरूरी, मतलब क्या चीजें जरूरी है उनको इकट्ठा कर लो। और जैसे सपोज आपकी मम्मी है, घर में कोई आज कुछ खाने पीने की अच्छी चीज बनाने का वो प्रिपरेशन कर रही है, जैसे आपने बोला भाई मटर पनीर बनाना है, तो मटर पनीर बनाने के लिए उसके साथ नान खाना है आपको, बटर नान खाना है, तो उसके लिए उनको कुछ प्लान तो करना पड़ेगा कि भाई मटर पनीर बनाना है, अच्छा तो मटर चाहिए होंगे तो खरीद के लेके आना सुबह, पनीर चाहिए होगा तो या तो पनीर बनाना पड़ेगा घर में, तो उसके लिए दूध ज़्यादा चाहिए ताकि मैं पनीर बना सकूँ, तो उसका प्रिपरेशन करना पड़ेगा, जो ग्रेवी है उसके लिए प्यूरी बनानी पड़ेगी, तो उसके लिए टोमेटो एंड ऑनियन चाहिए, तो कहीं ना कहीं कुछ दिमाग में प्लान तो होता है, तभी जाके वो उसको इम्प्लीमेंट करते हैं ना। ठीक है, तो यही चीज़ यहाँ पे भी बोली, मैनेजमेंट बिगिंस विद प्लानिंग, ये फर्स्ट स्टेप। आप कुछ प्लान ही नहीं करोगे, जैसे एग्जाम है आपको अपनी पढ़ाई मैनेज करनी है, तो कुछ प्लान तो करना पड़ेगा पहले कि कैसे मैनेज करोगे, तो शुरुआत जो है वो प्लानिंग से होती है। इट इज द फर्स्ट स्टेप, व्हेन इन एडवांस इट इज वाइजली कंसिडर्ड व्हाट वर्क हु विल डू, ये सब चीजें होती है प्लानिंग में, कौन क्या काम करेगा। अभी जैसे लॉकडाउन वाली सिचुएशन की बेस्ट एग्जाम्पल देता हूँ, चलो आपने झेला भी होगा। हाँ, प्लानिंग की बात कर लें, ठीक है, अभी लॉकडाउन की सिचुएशन थी तो उसमें मेड नहीं आ रही थी घर पे, ठीक है, और आपकी जॉइंट फैमिली है, मेड नहीं आ रही है, अब घर में तो कितने सारे काम होते हैं। अच्छा, प्रॉब्लम ये थी कि जब तक हम घर में रहते नहीं थे ना, हम तो कभी घर में होते नहीं है, हमें लगता है घर में क्या काम होते हैं, लेकिन अब जब घर में रह रहे हैं ना तो पता चल रहा है बहुत काम होते हैं, उल्टा बाहर हमें इतने काम नहीं होते जितने घर में काम होते हैं, और जो मम्मी को अकेले करना पड़ता है या दादी है तो दादी के साथ करना पड़ता है हमको, लेकिन मेहनत बहुत ज़्यादा है। अब ये उसी की बात हो रही है, जैसे यहाँ पे बोल रहे हैं कि अगर आप प्लानिंग कर रहे हो तो आपको बहुत अच्छे से ये आना चाहिए कि किससे क्या काम करवाना है। अब घर में जितने भी मेंबर्स हैं आपके, सपोज आपके घर में 6 मेंबर्स हैं, तो अभी बताए लॉकडाउन में यही हुआ होगा, काम डिवाइड हो गया होगा, झाड़ू कौन करेगा, पोछा कौन करेगा, बर्तन कौन करेगा, डस्टिंग कौन करेगा, सब्जियां कौन काटेगा, अच्छा वो सुबह सुबह राशन की लाइन में भी आजकल तो खड़े रहना पड़ता था, सुबह 6 बजे लाइन में लग जाओ तो 8 बजे नंबर आएगा, फिर 9 बजे आप घर में थक हार के आओगे गर्मी में सुबह सुबह, ये सारा काम इन 6 लोगों के बीच में डिवाइड करना। तो मम्मी ने ये शुरुआत की होगी ना, बर्तन आपको करने हैं, पोछा किसी और को करना है, तो घर का हर इंसान काम पे लगा है, पापा को बोला बाहर जाओ सब्जी और दूध लेके आओ भाई घर में, और आप मेंबर हो आपको बोला झाड़ू पोछा करो, आपके भाई बहन उनको बोला बर्तन कपड़े करो, दादा दादी उनको बोला आप थोड़ा बैठे बैठे सब्जी वब्जी काट देना, चलो दादी को बोला सब्जी बनाने में हेल्प कर देना, तो ऐसे करके सबके बीच में काम जो है वो डिवाइड हो गया। वही चीज़ यहाँ पे है कि प्लानिंग का मतलब ये है कि स्टार्टिंग से वाइजली काम डिवाइड कर दो कि कौन क्या करेगा, हु विल डू व्हेन एंड हाउ, कब कौन कैसे क्या काम करेगा, ये आपको पहले से डिसाइड कर लेना चाहिए। टू वॉट एक्सटेंट एंड व्हेन द वर्क इज टू बी फिनिश्ड फॉर द अचीवमेंट ऑफ द प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव इट इज नोन एज प्लानिंग। ऑब्जेक्टिव क्या था इन सबसे काम कराने का, उनको रियलाइज करवाना कि घर में कितना काम होता है, या फिर मेड नहीं आ रही है इसलिए काम देना जरूरी था, काम करवाना नेसेसरी था, पनिशमेंट नहीं थी ये रिक्वायरमेंट थी, और उसका फल तो सबको ही मिला था, खाना बना तो सभी ने खाया, सब्जी कटी तो खाना बना, कपड़े धुले तो सबके काम लगे, ठीक है झाड़ू पोछा हुआ तो घर में सफाई सबको मिली, तो इट इज़ वेरी मच रिक्वायर्ड कि वर्क डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। कंपनी में भी तो ये होता है, जो सीनियर मैनेजर्स होते हैं कौन से एम्प्लॉय को क्या काम देना है वो सोचते हैं ना, सेम चीज आ रही है। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। ड्यू टू प्लानिंग ऑल ऑफ द एक्टिविटीज ऑफ अ बिजनेस आर अंडरटेकन इन अ सिस्टमैटिक मैनर, ऑब्वियसली अ बेसिक बेसिक, इट देयरफॉर बिकम्स इजी टू अचीव ऑब्जेक्टिव्स, व्हेन मेनी ऑल्टरनेटिव्स आर फाउंड एट अ टाइम ऑफ डिफाइनिंग ऑब्जेक्टिव्स प्लानिंग बिकम्स यूजफुल टू सिलेक्ट द बेस्ट ऑल्टरनेटिव। देखो शुरुआत करते टाइम, प्लानिंग करते टाइम आपके पास बहुत सारे ऑल्टरनेटिव हैं। अब जैसे 6 ऑल्टरनेटिव है ना मम्मी के पास, उनको पता है बर्तन करना है, पोछा करना है, झाड़ू करना है, कपड़े करने हैं, डस्टिंग करनी है, सब्जी काटनी है, सब्जी पकानी है, राशन की लाइन में खड़े रहना है, दूध की लाइन में खड़े रहना है, ये इतने सारे टास्क हैं और ये इतने लोग हैं, तो ऑल्टरनेटिव बहुत सारे हैं ना, इसको क्या काम पे लगाना है, तो फिर प्लानिंग और अच्छे से हो पाती है। जब ऑप्शंस नहीं होते तो उतना अच्छे से प्लानिंग नहीं हो पाती कि भाई एक ही बंदा है इसी से काम कराना, जैसा करेगा झेलना पड़ेगा। यहाँ पे तो बेस्ट पर्सन फॉर द बेस्ट जॉब, जो जो काम अच्छा कर सकता है उससे करवाओ, भाई बाहर जाना लाइन में लगना थोड़ा रिस्की काम है तो बच्चों को नहीं भेजेंगे, तो पापा को पकड़ाया के जाओ सब्जी लेके आओ, भीड़ भी ज़्यादा होती है, थोड़ा रेट में बार्गेनिंग भी करना पड़ता है, आप कर लेना, भाई बिल्डिंग के नीचे दूध लेने जाना है वो कोई भी जा सकता है,
आप बड़े हो घर के बच्चे तो आपको बोलते हैं आप जाके ले आओ, फिक्स रेट है, बिल्डिंग का दूध वाला है जानता है, आप थैलियाँ लेके आ जाओ चलेगा। अच्छा दादा दादी हैं, एजेड हैं, ज़्यादा हार्डवर्क वाला काम तो नहीं कर पाएंगे, दादा को बोला चलो बैठे बैठे थोड़ा सब्जी काट दो, दादी को बोला कि भाई कुकिंग में हेल्प कर दो, तो जिसको जो काम सूटेबल है उस हिसाब से। और अपना तो कोई लेवल ही नहीं, मतलब जो घर के बच्चे हैं अपने को तो सुपरमैन माना ही होता है कि तुमको क्या है, तुम्हारी कौन सी उम्र हो गई, तुम सारा काम कर सकते हो, तो सबसे बर्डन धीरे धीरे अपने पे आना शुरू हो जाता है। दादा दादी एजेड है उनको ज़्यादा बोल नहीं सकते, पापा पापा है उनको ज़्यादा नहीं बोल सकते, गुस्सा हो जाएंगे, फालतू में उनको आदत भी नहीं है और उनको अपने काम का भी टेंशन है, फाइनेंस का भी टेंशन है, तो उनको परेशान नहीं करना है, मम्मी ही आपको ऑर्डर दे रही थी उनको, आप बोल नहीं सकते, तो घर में बचा कौन, आप और आपके भाई बहन, तो उनके ऊपर ही आता है बर्तन कपड़े झाड़ू पोछा, और फिर अच्छे से लड़ाई होती है, भाई मैं बर्तन कर रहा हूँ तू झाड़ू कर, झाड़ू मैं, मेरे से नहीं हो रहा तू पूछा कर, ये चलता रहता है। तो पूरा क्वारंटाइन लोगों ने ऐसे ही निकाला है। तो ये जो चीज़ है प्लानिंग वाली, उसमें ये जो ऑल्टरनेटिव होते हैं तो अच्छे से अलॉटमेंट ऑफ वर्क हो सकता है। ठीक है, प्लानिंग इज अ फंक्शन ऑफ सिलेक्शन एंड प्रेफरेंस, इसको क्या काम देना है। प्लानिंग इज द बेस फॉर अदर मैनेजरियल फंक्शंस, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, कोऑर्डिनेटिंग, कंट्रोलिंग, पढ़ेंगे अभी टेंशन नहीं। चलो नेक्स्ट देखें, अगला पॉइंट ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजेशन इज अ स्ट्रक्चर फॉर द असाइनमेंट ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी अमंग इंडिविजुअल्स वर्किंग फॉर द अचीवमेंट ऑफ कॉमन ऑब्जेक्टिव। वही तो बात कर रहे थे, प्लानिंग में हमने सोचा कि इसको ये काम देना है और हमारे पास ऑल्टरनेटिव्स हैं कि हम प्लान कर सकें, और जब एक्चुअली में हम किसी को कोई टास्क असाइन कर देते हैं, जैसे यहाँ पे असाइन किया मैंने, एक्चुअली मैं आपको साथ में ही बता दिया, जिसको जो काम असाइन कर दिया तो वो ऑर्गेनाइजिंग हो गया, प्लान किया मन में सोचा, ऑर्गेनाइजिंग मतलब उस प्लान को एक स्टेप आगे बढ़ाया, इंप्लीमेंट किया, ये बेस है, क्योंकि तो बेस पॉइंट पकड़ लोगे ना तो फिर लैंग्वेज अपने आप समझ आने लगेगी। ऑब्जेक्टिव्स पॉलिसी दे आर डिसाइडेड थ्रू प्लानिंग, क्या आपका इंटेंशन क्या है कि भाई घर का सारा काम हो जाए, करेगा कौन, ये सारे लोग अवेलेबल है, किससे क्या काम करवाना है सोच लिया, चलो अलॉट कर देते हैं भाई, चलो काम पे लगो, बर्तन करो, पोछा करो, झाड़ू करो, ये करो, वो करो, दूध लेके आओ, इतने बजे जाना, जब इम्प्लीमेंटेशन की बात आ गई तो वो ऑर्गेनाइजिंग हो गया, ये ध्यान रखना है। व्हाइल एग्जीक्यूटिंग प्लान ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर इज फॉर्म, और अभी ये कंपनी की बात हो रही है, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर याद करो, टॉप बॉटम लेवल, मिडल लेवल, टॉप लेवल, याद है ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर। यूजुअली एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे तीन लेवल होते हैं, थ्री टीयर बोलते हैं, टायर नहीं होता, टीयर होता है, टी आई ई आर इज नॉट टायर, लोग बोलते हैं टायर, एसी ट्रेन में टू टायर, थ्री टायर, वो ट्रेन के टायर देख के नहीं बोलते, टीयर का मतलब होता है लेवल्स। ठीक है, जब आप बोलते हो ना थ्री टीयर एसी, थ्री टायर एसी नहीं, वो थ्री टीयर जो है ना वो ट्रेन के नीचे जो डब्बा होता है ना उसके नीचे के टायर इनके नहीं बोलते, वो ट्रेन के अंदर जो बर्थ होती है ना जिसमें आप सोते हो, वो अगर एक दो और तीन है तो उसको थ्री टीयर बोलते हैं रोज, और अगर टू टीयर है तो उसमें सिर्फ दो ही रो होती है, स्पेस ज़्यादा मिलती है, बट इसकी टिकट महंगी होती है क्योंकि आपको जगह ज़्यादा दे रहे हैं, इसकी टिकट कंपेरेटिवली सस्ती होती है। और फिर एक फर्स्ट क्लास होता है, फर्स्ट एसी, फर्स्ट एसी मतलब जो कंपार्टमेंट होता है भाई, दो लोग या चार ही लोगों के उसके अंदर पूरा कंपार्टमेंट आपको मिलता है, दैट इज फर्स्ट एसी, वो और महंगा होता है। तो इट इज टीयर, थ्री टीयर अरेंजमेंट, बॉटम लेवल, मिडल लेवल, टॉप लेवल, क्लियर, ये हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं, ऑर्गेनाइजेशन इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी अमंग दी सेक्शंस एंड ग्रुप्स, गेट क्लैरिफाइड विद द फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, इशूज लाइक हु विल सुपरवाइज, हु विल हैव द अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, इंटर रिलेशनशिप बिटवीन द इंडिविजुअल एक्सेट्रा, ऊपर भी यही बात हुई, मतलब स्टाफ में कौन लोग होंगे, कौन क्या काम करेगा, ठीक है, और किसको कितना अथॉरिटी देनी चाहिए, कौन किसको आंसरेबल होगा, कौन किसको आंसरेबल नहीं होगा, वो सब डिसीजन लेना रिगार्डिंग द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर दैट इज कवर्ड अंडर ऑर्गेनाइजिंग। ठीक है, तो ये आपका सेकेंड पार्ट जो है वो कवर हुआ, आगे देखते हैं। बोल रहे हैं प्लानिंग इज द ब्रेन ऑफ बिजनेस यूनिट व्हाइल ऑर्गेनाइजेशन इज इट्स फिजिकल स्ट्रक्चर, सही है, प्लानिंग में आपको पहले बोला मेंटल प्लान सोच रहे हैं, ठीक है, और इम्प्लीमेंट कर रहे हैं फिजिकली ऑर्गेनाइजेशन, फिर बोला द फंक्शन ऑफ अ ब्रेन, अच्छा वो फिर उसी से रिलेट कर रहे हैं, ठीक है, जा रहे हैं। स्टाफिंग जो थर्ड पॉइंट है, ये भी देख लेते हैं, स्टाफिंग में बोल रहे हैं कि एम्प्लॉयज की जो इम्पोर्टेंस है ना उसको समझना कितना जरूरी है,
जॉर्ज टेरी ने बोला, स्टाफिंग इज कंसर्न्ड विद अवेलिंग एंड मेंटेनिंग सेटिस्फैक्टरी मैन पावर, इनफ स्टाफ होना बहुत जरूरी है। क्योंकि स्टाफिंग के केस में क्या हो गया ना कि अगर आपके पास इनफ और वेल स्किल्ड एम्प्लॉयज नहीं है, राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब, तो फिर आपका काम कैसे चलेगा, गलतियाँ होंगी, नुकसान होगा। अगर काम बहुत ज़्यादा है, बंदे बहुत कम है, बंदे बहुत ज़्यादा है, काम बहुत कम है, गड़बड़ हो जाए, ठीक है। आगे, वेयर देयर इज बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन देयर विल बी एग्जिस्टेंस ऑफ स्टाफ, एनी ऑर्गेनाइजेशन विदाउट स्टाफ इज लाइक अ मियर स्केलेटन। ये तो ऑब्वियस है ना, स्टाफ के बिना ऑर्गेनाइजेशन में काम कौन करेगा। एक्टिविटीज ऑफ एनी बिजनेस यूनिट डिपेंड्स ऑन इट्स स्टाफ, स्टाफिंग इज रिलेटेड विद द रिक्रूटमेंट ऑफ एम्प्लॉयज फॉर द राइट पोजिशन एट द राइट टाइम इन द राइट नंबर विद द राइट क्वालिफिकेशन। तो सही जगह पे सही बंदे का काम होना और उसको अपॉइंट करना वो बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है, दैट इज स्टाफिंग। पता है एक कंपनी में आप देखते हो कितना स्टाफ होता है, तो एक बड़ी कंपनी का एग्जाम्पल लो, कोई ऑफिस में जाओ, कोई रिसेप्शनिस्ट है, कोई प्यून है, कोई कंप्यूटर पे बिलिंग का काम कर रहा है, कोई टाइपिंग का काम कर रहा है, कोई लीगल मैटर्स को देख रहा है, कोई मैनेजर है, तो अलग अलग लेवल का स्टाफ होता है। आप रेस्टोरेंट में जाते हो, एक वो किचन के अंदर साफ सफाई करने का स्टाफ होता है जो बाहर नहीं आता, एक किचन के अंदर कुकिंग स्टाफ होता है वो भी अंदर ही रहता है, एक वेटर स्टाफ होता है जो सबको सर्व करता है। अच्छा, वेटर के साथ भी क्लीनिंग स्टाफ होता है, जो वेटर आपको खाना सर्व करता है यूजुअली अच्छी होटल्स में वो खुद क्लीन नहीं करता, क्लीनर अलग रखे होते हैं, यू नो। देन एक मैनेजर घूम रहा होता है जो ध्यान रखता है कि कौन से टेबल का ऑर्डर बाकी है और वेटर को बोलता है लेके आओ, और एक कैशियर बैठा होता है, कितने लोग काम कर रहे हैं ना, तो वो मैनेजमेंट वही हो गया ना, स्टाफिंग। अब कोई रेस्टोरेंट में आप जाओ, प्रॉपर स्टाफ ना हो तो क्या होता है, और संडे हो, इवनिंग है, सभी लोग लगे हैं, वेटिंग चल रहा है, संडे को तो और वेटिंग के लिए भी बंदा रखना पड़ता है कि किसका नाम लिखें, किसको पहले बिठाएं, कौन से टेबल पे कितने अरेंज करें, उस तरीके से। तो ये सारी चीज़ें स्टाफिंग में कवर हो जाती है, ठीक है। चलो आगे देखें, वही बोला है, स्टाफिंग इंक्लूड्स मैन पावर प्लानिंग, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, इवेल्युएशन ऑफ वर्क, जॉब एनालिसिस, मतलब काम क्या है और किस टाइप का बंदा चाहिए। पता है आप कोई जॉब के लिए जाते हैं तो बोलते हैं इतनी मिनिमम क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है, सोचना तो पड़ेगा ना कि इस पोस्ट के लिए कितना पढ़ा लिखा बंदा काफी होगा। ज्यादा पढ़ा लिखा मांगोगे तो फिर वो सैलरी भी ज्यादा मांगेगा, तो जितनी मिनिमम रिक्वायरमेंट है उतनी काफी है, एक्सपीरियंस जितना चाहिए उतना काफी, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट, इसके बाद स्टाफिंग के बाद जो बात हो रही है डायरेक्टिंग, ठीक है। डायरेक्शन का मतलब क्या है, टू गाइड एंड टू सुपरवाइज द एम्प्लॉयज फॉर द अकम्प्लिशमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। तो डायरेक्शन देना, किसी को गाइड करना, जैसे मूवी में डायरेक्टर नहीं होता। अब देखो कोई मूवी बन रही है, एग्जाम्पल ले लेते हैं, अभी सपोज गोलमाल सीरीज की मूवी है, गोलमाल मूवी सबने देखी है, अजय देवगन वाली। अब अजय देवगन जो है वो उसमें एक्टर है, ये आपको पता है, ठीक है। अब उसको तो एज एन एक्टर साइन किया गया है, तो उसके माइंड में कोई विजन होगा कि पूरी पिक्चर में मैं ये करूंगा, भाई उसको क्या पता, स्क्रिप्ट राइटर है वो स्क्रिप्ट लिखेगा, एक्टर को हायर किया वो एक्टिंग करेगा, बट उसको बताना पड़ेगा कि उसको क्या करना है, ठीक है। तो जो आइडिया होता है ना वो एक्टर का नहीं होता, उसके लिए बंदा रखते हैं, इसको बोलते हैं डायरेक्टर। जैसे गोलमाल में है रोहित शेट्टी, वो डायरेक्टर है, स्क्रिप्ट राइटर के साथ बैठ के उसने एक विजन तैयार किया है कि मेरी मूवी में मुझे ये दिखाना है, उसने उसके लिए फिर प्रोड्यूसर ढूंढा है कि वो फाइनेंसर है, तो पैसा लगा, मैं ये पिक्चर बना रहा हूँ, गोलमाल है, कॉमेडी मूवी है, लाइट हार्टेड कॉमेडी है, फैमिली ऑडियंस आ सकती है और जोक्स होंगे, कॉमेडी चलेगी, मजा आएगा सबको और अच्छा कलेक्शन भी होगा। तो मैंने उसमें ये जोक सोचे हैं, मैंने ये सीन सोचा है, ऐसा ऐसा होगा, वो सोच होती है डायरेक्टर की, इसको नहीं पता है। ये आएगा सेट पे, इसको अपने डायलॉग्स मिलेंगे, डायरेक्टर इसको सीन समझाएगा कि ये सीन नंबर 20 है, इसमें आपको ऐसे ऐसे करना है, ऐसे चल के आना है, ये आपका कॉस्ट्यूम है, ये डायलॉग बोलना है, बोलने का टोन ऐसा होगा और मुझे ऐसा शॉट मिलना चाहिए, ठीक है। आप फ्रेम में खड़े रहोगे, पीछे ये बैकग्राउंड आएगा, सामने वाला एक्टर ये डायलॉग बोलेगा, समझ लिया, चलो रिहर्सल कर लो। तो ये एक्टर बाकी एक्टर्स के साथ रिहर्सल करेगा, डायलॉग्स होंगे, उसको रिकॉर्ड किया जाएगा, बट विजन किसका था, डायरेक्टर। तो वो जो डायरेक्ट कर रहा है, जो बोल रहा है करने को, वो ये फॉलो कर रहा है। आपने बहुत बार सुना होगा एक्टर्स बोलते हैं ना कि भाई हम तो डायरेक्टर्स को फॉलो करते हैं, डायरेक्टर जो बोलेगा मैं करूंगा, वो बोलेगा उल्टे लटक जाओ, मैं उल्टा भी लटक जाऊंगा, अगर मैं एक्टर हूं और मैं डायरेक्टर के ऑर्डर पे चलता हूं, मैं अपना दिमाग बीच में नहीं लगाता।
कोई डायरेक्टर ये भी बोलते हैं कि ये एक्टर की पिक्चर की थी, हाथ जोड़ता हूँ दोबारा नहीं करूंगा, ये अपना ही दिमाग चलाता है, ठीक है, तो बोलता मैं कुछ हूँ करता अपने हिसाब से, तो जब पिक्चर फ्लॉप होती तो गालियाँ मुझे पड़ती है, तो मुझे इसके लिए काम ही नहीं करना। तो दैट इज डायरेक्टिंग एंड डायरेक्शन, तो कुछ वैसे ही वर्ड है यहाँ पे। डायरेक्शन मीन्स टू गाइड एंड टू सुपरवाइज द एम्प्लॉइज इन ऑर्डर टू अचीव प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव्स। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू डायरेक्ट एंड सुपरवाइज द एम्प्लॉइज। अब एम्प्लॉय को मशीन चलानी आती है, प्रोडक्शन करना आता है, एक दिन में कितना प्रोडक्शन चाहिए आपको, कितने आवर्स आप काम करवाना चाहते हो, मैं कैसे मशीन चलाऊं, वो भी आप डायरेक्शन दे सकते हो, कोई रॉ मटेरियल है तो उसको कैसे यूज करूं, कितना यूज करूं, ये सब चीज जब तक आप मुझे नहीं बताओगे तब तक मैं कैसे काम करूंगा, ठीक है। तो हर फैक्ट्री की मालिक की एक रिक्वायरमेंट भी तो अलग होगी, तो वो लोग क्या करते हैं, सुपरवाइजर रखते हैं जो एम्प्लॉयज को समझाते हैं कि आपको ऐसे ऐसे मशीन चलानी है, ऐसे ऐसे काम करना, तो जो बोलेंगे वो डायरेक्शन बने जाएंगे, ठीक है। यही यहाँ पे भी बोला है, In spite of it, all these efforts become useless if the supervisors or the superiors fail to provide proper directions. अब जैसे टीम का कैप्टन है, ये एग्जाम्पल तो मैंने लिया मूवी वाला डायरेक्टिंग में, और एक एग्जाम्पल लेता हूँ अपना महेंद्र सिंह धोनी वर्ल्ड कप कैप्टन, ठीक है, और टीम इंडियन क्रिकेट टीम, अब इसके अंदर बैट्समैन भी होते हैं, बॉलर्स भी होते हैं, विकेट कीपर तो वो खुद ही है, एम्पायर होते हैं क्या, नहीं वो अपने को घर से थोड़े जाने होते हैं, कॉम्प्लीमेंटरी। अब बैट्समैन में ओपनिंग बैट्समैन होता है, मिडल ऑर्डर बैट्समैन होता है, लोअर ऑर्डर बैट्समैन होता है, टेल एंडर होता है, ठीक है, ऐसे 11 प्लेयर खेलते हैं, तो 11 प्लेयर में से पहले दो कौन जाएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है ये पोजीशन और ये पोजीशन, और इम्पोर्टेंट है, अच्छा ये चले गए फिर इसके बाद जो दो आएंगे वो, और फिर तो लास्ट वाले होते हैं 7, 8, 9, 10, 11, ये सब तो मिडल ऑर्डर में आप ये तीन को ले सकते हो, 5, 6, 7 नंबर, और ये हो जाते हैं टेल एंडर्स, ये है टॉप ऑर्डर और ये है जस्ट नेक्स्ट, ठीक है। तो कैप्टन को डिसाइड करना होता है कौन किस ऑर्डर पे खेलेगा, किसकी एबिलिटीज क्या है, ठीक है, और उसको डायरेक्शन दे के भेजता है। आपने देखा होगा कितनी बार ओपनिंग में जो बैट्समैन आते हैं ना, अपना सहवाग खेलता था, धनाधन आके रन बना दिए, मतलब पहली बॉल पर चौका मारना उसका शौक है, ठीक है, तो वो आएगा पहली बॉल पर चौका मारेगा, दूसरे वाले को बोला होता है, एक तो लेफ्टी राइटी भेजते हैं, फिर एक लेफ्टी आएगा राइटी, बार बार फील्डर्स चेंज होंगे, टीम वाले थकेंगे, ठीक है, तो लेफ्टी को बोला है कि तू राइटी बॉलरों को परेशान कर, अच्छे शॉट्स निकाल, राइटी बैट्समैन को बोला मार जैसे मारना है मार, तेरा टारगेट है पहली 10 ओवर में टीम को 60 रन बना के देने, तो 30 पे आउट हो जाएगा, मैं कुछ नहीं बोलूंगा, ये कैप्टन बोल के भेजता है, ठीक है। वो क्या करता है, आते ही हिटिंग करता है, 5-10 अच्छे शॉट निकाल दिए ना, 20-25-30 रन बन गए ना, उसने अपना काम करके टीम पे प्रेशर डाल दिया सामने वाले, बाकी अपने पास बैट्समैन बहुत टेंशन नहीं, ठीक है, तो वो आउट हो गया तो भी चलेगा। इनको बोला होता है कि अगर जल्दी विकेट गिरे तो आप थोड़ा विकेट बचा के खेलना, अगर अच्छे रन बन जाए तो आप भी हिटिंग चालू रखना, तो जो 60 बने हैं ना वो अगर 100-110 हो गए ना, गई सामने वाली टीम आधी तो खत्म, ठीक है, तो ये लोग वो काम करते हैं। 4 नंबर पे जो आता है ना, वो थोड़ी इनिंग्स बनने के बाद आता है, वो मीडियम पेस पे खेलता 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 बीच के ओवर निकालता है, रन बनाता है, 40 ओवर तक अगर ये टिक गया ना, फिर ये भी हिटिंग करना चालू करता है कि अब तो मेरे भी 50 हो गए हैं और इसके भी 100 हो गए हैं, अब तो अपना स्कोर 200 के ऊपर है, अब लास्ट 10 ओवर में इसको 350 पहुंचाएंगे, तो टारगेट पूरा गियर ही चेंज हो जाता है, ठीक है। अच्छा, अगर ये लोग एक एवरेज रन पे आउट हो जाते हैं, फिर इनको बोला होता है कि आपको गेम को बचाना है, जिताना है, या फिर एक अच्छे टारगेट तक पहुंचाना है, तो हर किसी को डायरेक्शन देने वाला काम कौन कर रहा है, कैप्टन कर रहा है, डायरेक्टिंग। अच्छा, बॉलर्स को भी तो बोला होता है ओपनिंग में कि यार तुम लोग दो बॉलर आओ स्टार्टिंग में, इधर से ये उधर से वो बॉलिंग करो, और मुझे पहली 10 ओवर में 3 विकेट निकाल के दो, ऐसे बॉलिंग करो। अच्छा, धोनी को तो देखा ही होगा, वो स्टंप्स के पीछे से बोलता रहता है कि भाई यहाँ बॉल डाल, वहाँ बॉल डाल, जाडेजा और ये सब जो स्पिनर हैं इनको तो वही बोलता है, पैर पे डाल, थोड़ा दूर से फेंक, आगे खेला उसको, आगे आगे खेलने दे, मतलब वो डायरेक्शंस देता है, माइंड में सुनाई देता है कि वो ऐसे बोल रहा है बॉल करने को, और वो जैसे बोलता है अगर वैसे बॉल करता है ना तो विकेट मिलती मिलती, ये भी हमने देखा है, इसलिए वो इतना ग्रेट कैप्टन है, ठीक है, अदरवाइज तो नहीं होता। तो ये सारी चीज़ें जो वो कर रहा है वो एग्जैक्टली वो डायरेक्शंस दे रहा है, जो मैं बोल रहा हूँ वो करो, और प्री डिटरमाइंड जो ऑब्जेक्टिव है विकेट लेने का वो पूरा हो, ठीक है। फील्डर्स को भी वो सेट करते हैं ना, भाई तू यहाँ खड़ा रहे, तू वहाँ पे खड़ा रहे, तू यहाँ फील्डिंग कर, वहाँ फील्डिंग कर, ऑल दैट इज डायरेक्टिंग। नेक्स्ट देखें, लीडरशिप स्किल्स भी आ जाते हैं इसमें, कंट्रोलिंग। चलो देखें, कंट्रोल इज द फंक्शन ऑफ मेंटेनिंग बैलेंस अमंग्स द एफर्ट्स, रिजल्ट्स, रिसोर्सेज एंड ऑब्जेक्टिव्स।
इट इज द लास्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। मतलब ये कैसा हो गया कि हर चीज को मॉनिटर करते रहना, कंट्रोल करते रहना कि जैसा सिखाया है वैसा हो रहा है कि नहीं, जैसा टारगेट है जो ऑब्जेक्टिव अचीव करना है वो ऐसे ही चलता रहा तो पूरा होगा या नहीं, बैलेंस बना गया। ठीक है, तो जो कुछ भी हमने देखा भाई, प्लानिंग जैसी सोची थी सही पड़ी, बराबर इम्प्लीमेंटेशन हुआ, टीम बराबर है, डायरेक्शन फॉलो कर रही है, अगर ये सब चीज को आप ठीक से मॉनिटर कर रहे हो देन इट इज कॉल्ड कंट्रोलिंग। ये बोला हुआ है, द फंक्शन ऑफ कंट्रोलिंग इज टू सी वेदर ऑल द बिजनेस एक्टिविटीज आर डन विद द कंफर्मिटी ऑफ प्लानिंग और नॉट। एज पर द ट्रेडिशनल कंसेप्ट कंट्रोलिंग मीन्स टू हैव रिस्ट्रिक्शन ऑन एम्प्लॉइज एक्टिविटीज, स्ट्रिक्ट अप्रोच, प्रोविजन ऑफ पनिशमेंट और फाइन इन केस ऑफ एम्प्लॉय मेकिंग मिस्टेक। मतलब ये सब जनरली देखा जाता है कि होता है, बट ये कंट्रोलिंग का नेगेटिव अप्रोच है। मतलब डांटते रहना, पेनल्टी लगाते रहना, फाइन लगाते रहना, उसके अगेंस्ट एक्शन ले लेना, हर बार यही करते रहोगे क्या? तो थोड़ा लिबरल होना जरूरी है ना। तो यही चीज यहाँ पे बोली है कि ऐसी मिस्टेक्स पास्ट में कंपनीज करती आई है, बट अब कंट्रोलिंग का मतलब ये नहीं है कि आप उनको डांटते फटकारते रहो, अब ये मतलब है कि उनको समझा के पॉजिटिवली उनसे काम करो, उनको मोटिवेट करो, दैट इज इम्पॉर्टेंट। तो ये जो है आपका वो कंट्रोलिंग वाला पार्ट हो गया, दैट इज द फिफ्थ टर्म। ठीक है, इसके बाद फिर दूसरा एक पार्ट स्टार्ट हो रहा है, दैट इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन है, फिर फंक्शंस हैं, ओके बस ठीक है। अगर हम इसको आज नहीं भी करेंगे तो इतनी दिक्कत नहीं है, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर अप करेंगे। अगला जो लेक्चर है, ये फोर्थ पार्ट था हमारा, जो अगला लेक्चर है फिफ्थ, दैट विल बी द फाइनल लेक्चर फॉर दिस चैप्टर। इसके साथ हम इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे, और तब तक अगर आपकी कोई क्वेरीज हैं, डाउट्स हैं, तो आप पढ़ के रखना, मैं डाउट सॉल्विंग ले लूंगा, प्लस एक्सरसाइज में जो भी आपके क्वेश्चंस हैं उसका मटेरियल मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, आप उसको भी पढ़ के प्रिपरेशन कर लो, फिर हम टेस्ट के सेशंस के लिए आगे बढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच।